घर का बना खाना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें नए वीडियो के लिए। हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं भटूरे। आज हम जो भटूरे बनाएंगे वो हम सोडा के पानी की मदद से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें 1.5 कप मैदा डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/4 कप चिरौटी रवा लिया है। चिरौटी रवा यानी महीन रवा। अगर जो आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल रवा को थोड़ा सा पीस लें। फिर उसके बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे मिला लेंगे। तो अब हम मैदे को सान लेंगे। यहाँ पे हम मैदे को सानने के लिए क्लब सोडा का यूज़ करेंगे, यानी कि सोडा के पानी का। हम यहाँ पे पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा सा सोडा डाल के इसे सान लेंगे। हमें इसे ना ज़्यादा हार्ड सानना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट, नॉर्मल सानेंगे हम इसे। अभी मैदा सन के रेडी हो गया है तो अब हम इसे ढक देंगे और किसी गर्म जगह पे इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर जो आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं हो तो आप मिनिमम इसे आधे घंटे के लिए ही रखें। आधे घंटे बाद हम इसे खोल के चेक कर लेंगे। अब हम हथेलियों पे थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे वापस से सान लेंगे। हमें इसे 3 से 4 मिनट तक सानना है ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अब देखिए ये एकदम रेडी है भटूरे बनाने के लिए। तो चलिए अब हम भटूरे बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हम चकला और बेलन ले लेंगे और अब इसमें से हम छोटा सा टुकड़ा तोड़ेंगे और इसे दोनों हाथों पे रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इसे हल्का सा दबा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे तेल का यूज़ करेंगे। तेल का यूज़ करने से हमारा जो गरम तेल है जिसमें हम तलते हैं वो खराब नहीं होता है। और अगर जो हम मैदा का यूज़ करेंगे तो वो हल्का हल्का आटा छोड़ देता है तेल में। तो यहाँ पे मैं दोनों ही तरीके दिखाऊंगी। तो हम इस तरह से अब इसे बेल लेंगे। इसे हर तरफ से बराबर से बेल लेंगे। उसके बाद हम इसे हाथ में लेंगे और इसको हर तरफ से खींच लेंगे बराबर, क्योंकि मैदा सिकुड़ जाता है। और अब हम इसे गरम तेल में डाल देंगे। एक बात का ध्यान रखें कि जब हम भटूरा डालेंगे तब तेल का जो टेम्परेचर है वो एकदम गरम होना चाहिए। इस समय गैस का फ्लेम हाई होगा और भटूरा डालते वक्त हम इसे एक करछी की मदद से हर तरफ से हल्के हाथ से दबाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और अब हम इसे पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे हल्का ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए भटूरा हमारा कितना अच्छा फूला है। और अब हम इसे निकाल के एक पेपर टॉवल पे डाल लेंगे ताकि जो इसका एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए। अब हम दूसरा भटूरा बेलेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा लोई लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे मैदे का यूज़ किया है इसे बेलने के लिए। मैदे का यूज़ करने से ये आसानी से बेल जाता है। ये देखिए कितने अच्छे से ये गोल हो रहा है। अब इस तरह से हम इस हर तरफ से इसे बराबर बेल लेंगे और उसके बाद हम फिर से इसे गरम तेल में डालेंगे। हम इसे यहाँ हल्के हाथ से दबाएंगे और हर तरफ से बराबर दबाएंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये देखिए अब ये दोनों तरफ से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे भी पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे। हमारे भटूरे रेडी हैं। इसे गर्मा गर्म छोले के साथ सर्व करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर जो आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे बाकी वीडियोस देखने के लिए आप इन इमेज लिंक पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।